नाम पर ही शपथ ली। हमारी सरकारें चली संविधान, इसी संविधान से चली। हमारी पुलिस जो कार्यवाही करती है इसी संविधान के धाराओं के तहत करती है। न्यायालय जो काम करते हैं, संगोष्ठियां चलती रही, भिन्न भिन्न सभाओं के माध्यम से जन जागृति के लिए मैं सामने आया। लेकिन हर आप में से कई पत्रकार बंधु, एक महापूर्व ही गांधी पीस फाउंडेशन में हुई पत्रकार वार्ता के दौरान उपस्थित थे, मुझे ऐसा लग रहा है। आज मैं एक माह के भीतर ही आप लोगों से दूसरी बार मुखातिब हो रहा हूं, तो उसका कारण बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है जो मेरे सामने, क्या पूरे देश के सामने आया, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। जैसा कि आप जानते ही हैं, और मेरे ख्याल से काफी लोग सब देश इतिहास के बारे में कुछ ना कुछ पत्रकार बंधु अध्ययन करते ही हैं, मैं स्वयं पत्रकार हूं, कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में संपादक की भूमिका निभा चुका हूं। अब तक 30 किताबें मेरे द्वारा लिखी गई है और 100 से अधिक किताबों का मैंने संपादन किया है। अध्ययन ही हमारी पूंजी होती है, और उस अध्ययन से हमारे भीतर कुछ भावनाएं जाग उठती हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक तो भागवत गीता जो मुझे हर बार कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, और मैं उससे बेहद प्रभावित हूं, उसे जीवंत मानता हूं। और दूसरी रचना या व्यवस्था वह है भारतीय संविधान। मैंने भारतीय संविधान को हमेशा जीवंत रूप में अपने सामने पाया है, और हाल ही में संविधान हत्या दिवस घोषित करने संबंधी भारत का राजपत्र में जो नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ, उससे मैं बहुत अधिक विचलित हुआ। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने कभी भी आक्रामकता का साथ नहीं दिया। लगातार लंबे अरसे से संगोष्ठियां चलती रही, भिन्न भिन्न सभाओं के माध्यम से जन जागृति के लिए मैं सामने आया। लेकिन हर मंच पर मैंने यही कहा कि इस विषय को लेकर धरना प्रदर्शन चकाजाम और किसी भी प्रकार की हिंसक गतिविधियों में हमारे अनुयायी भाग ना ले। मैं अब भी लोगों से यही आग्रह करता हूं, संविधान सम्माननीय संविधान सामान्य बात नहीं है। खासकर भारतीय संविधान की बात की जाए, इसकी रचना एक सामान्य घटना नहीं थी। पाकिस्तान के अलग होने के बाद 299 सदस्य संविधान सभा के थे, उन्हें 22 समितियों में बांटा गया। उन सभी सदस्यों ने और सभी समितियों ने अलग अलग क्षेत्र के समस्याओं को, जीवन शैली को, आने वाली चुनौतियों को, व्यवस्था को, नियमों को, सामाजिक नियमों को, अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों को, सबका बारीकी से अध्ययन किया। और उस सारे अध्ययन को क्रमबद्धता के साथ लिपिबद्ध करना अत्यंत जटिलतम कार्य था, और इस बात को आप लोग बखूबी जानते हैं। एक पत्रकार जब बहुत बड़ी बड़ी फाइलें सामने आ जाती है, बहुत सारे दस्तावेज आ जाते हैं, तो उनमें से काम की चीज किस तरह से निकालता है, किस तरह से लिपिबद्ध करता है, वही जानता है। जब वो लिपिबद्ध हो जाती है तो उसके बाद बाकी लोगों को लगता है कि सामान्य बात, लेकिन वो सामान्य बात नहीं है। उसमें एक पत्रकार की, एक लेखक की तपस्या निहित होती। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो सदस्य 299 थे, उन लोगों ने भी अपने आप में साधना किया था इस संविधान की रचना के लिए।
तो वो साधना रस के सहारे जन भावनाओं का मंथन करते हुए, देश की भू भौगोलिक स्थितियों का अध्ययन करते हुए, रहन सहन के तौर तरीकों का अध्ययन करते हुए, जाति समुदाय विशेष में भिन्न भिन्न नियमों के पालन का ध्यान रखते हुए, सारी की सारी जानकारियां जो थी, दस्तावेज जो थे, उनको क्रमबद्ध तरीके से लिपिबद्ध करने का काम शुरू किया। और एक वो बड़ा संकल्प था जो पूरा हुआ। हम आपको बताना चाहते हैं, यद्यपि मैं किसी भी संगठन के खिलाफ बोलना पसंद नहीं करता, अनावश्यक आक्रामकता मुझे बर्दाश्त नहीं है, लेकिन जो इतिहास बताता है उसे हमारे कोई भी साथी नकार नहीं सकते। 1949 में संविधान के प्रकाशित होने से पूर्व ही जब उसका ड्राफ्ट सामने आया, तो हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित कई प्रमुख संगठनों ने संविधान की कमियां गिनाना शुरू कर दिया। और उनका कहना था कि भारत की जो का जो इतिहास है, राजतंत्र के समय जो इतिहास रहा है, उस समय की जो परंपराएं रही है, उनकी अनदेखी संविधान में की गई है। बिना दिन हल्ला मचना शुरू हो गया, क्योंकि उस समय हिंदू कोड बिल को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एकमत थे, और उन्होंने स्पष्ट रूप से बयान भी दिए थे कि हमारे लिए चुनौती है, लेकिन इसे हमको पूरा करना होगा। दोनों का था, बिना हिंदू कोड बिल के ही संविधान प्रकाशित कर देना पड़ा। और मेरा मानना है 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र लागू ही नहीं हुआ, बल्कि भारतीय संविधान के रूप में उस अद्भुत रचना, जिसे मैं कभी कभी कहता हूं कि यह मानव निर्मित लौकिक रचना है, अपितु इसे पढ़ने से, समझने से, जानने से ऐसा लगता है यह एक पारलौकिक रचना भी है, क्योंकि पारलौकिकता का एहसास होने लगता है। हर प्रकार की समस्याओं का समाधान उस संविधान में है। साथियों, बात यही नहीं रुकी थी, डॉक्टर अंबेडकर का विरोध कई कारणों से हुआ है, उसके बाद संविधान सभा के सदस्य ही संसद के सदस्य के रूप में चुनाव से पूर्व काम करने लगे, और पुनः ये चुनौती सामने थी हिंदू कोड बिल को पारित कराना। जब पंडित नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक मत थे हिंदू कोड बिल को लागू करने के लिए, तब इस दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयं संघ द्वारा 27 बड़ी सभाएं की गई, बड़ी आक्रामक सभाएं हुई। और दूसरी ओर राम राज्य परिषद के संस्थापक कर्पात्री महाराज, पूजनीय कर्पात्री महाराज, क्योंकि वे एक बहुत बड़े संत थे, तो वे भी बड़ा आंदोलन चला रहे थे। कुछ सभाओं में तो आरएसएस और कर्पात्री महाराज दोनों एक थे। कर्पात्री महाराज के बारे में मैं काफी कुछ समझ नहीं पाया हूं, मेरा अल्प ज्ञान है मैं मानता हूं, क्योंकि वे एक और गौ रक्षा के लिए सड़क पर उतरते थे, गौ हत्या का बहुत ज्यादा विरोध करते थे, वही दूसरी ओर सारे राजघराने के लोग ही उनके पार्टी में शामिल थे और उन्हें ही वो चुनाव लड़ाते थे, और जो राजघराने थे वे काय के शौकीन होते थे, शिकार के। ये बात मेरे भी समझ में कभी नहीं आई, लेकिन एक तपस्वी ने क्यों हिंदू कोड बिल का विरोध किया मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन जब वो पुराने भाषण सुनो तो ये समझ में आता है कि वे बहुपत्नी प्रथा के विरोध में नहीं थे, और उनका कहना था ये भारतीय संस्कृति है, राजघरानों के लोग ही अधिकतर 2-4, 5-6, 8-10 शादी करते थे, लेकिन ये विरोध बहुत तेज था। अंततः डॉक्टर अंबेडकर जी ने कांग्रेस चुनाव का समय देखते हुए कांग्रेस ने इससे कहा कि भाई अभी इसको रोका जाए,
नेहरू जी ने भी उनसे कहा कि अभी इसको रोक दिया जाए, चुनाव का समय है, स्थिति परिस्थितियां बहुत ज्यादा विपरीत लग रही थी, उसे रोक दिया। तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया, आप सब जानते हैं। उन्होंने दलितों को लेकर के एक संगठन बनाया, फिर बाद में रिपब्लिकन पार्टी भी बनाई। उसके बाद में पंडित नेहरू ने जो हिंदू कोड बिल था उसे 6 भागों में बांट कर पारित करवा लिया, वो पूरा का पूरा हिंदू कोड बिल बाद में पारित हो गया। लेकिन ये विरोध बना रहा, मेरे कहने का तात्पर्य विरोध बना रहा। राजघरानों ने समय समय पर भारतीय संविधान का विरोध किसी ना किसी रूप में किया है। इतिहास को अगर आप अध्ययन करते हैं तो ये चीज सामने आती है। जब पचमढ़ी का सम्मेलन हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन पचमढ़ी में हुआ था, उसमें पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने राजघरानों को लेकर, सामंतशाही को लेकर कुछ टिप्पणी की, तो उस टिप्पणी के विरोध में राजमाता सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ दी थी और उन्होंने कहा था कि इन्होंने राजघरानों पर कुछ गलत तरीके से तंज कसा, और वही राजमाता सिंधिया जी ने बाद में संविध सरकार बनाकर द्वारिका प्रसाद मिश्र की सरकार गिरा दी थी। मैं ये बात थोड़ा सा अभी 2 मिनट में ही खत्म कर रहा हूं। उसके आगे की कहानी ये होती है कि राजा महाराजाओं को संविलियन के समय बहुत सारे विशेषाधिकार दिए गए थे कि इतने तोपों की उनको सलामी चाहिए, वे उनको पुलिस पूछने नहीं आ सकती, वो पुलिस अपने व्याह की आएगी, वो थाने में नहीं जाएंगे, वे जेल में नहीं जाएंगे, उनके महल में ही उनको नजरबंद किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा वो न्यायालय नहीं जाएंगे, न्यायालय को उनके दरबार में आना पड़ेगा, और उनको जो राजस्व मिलता था रियासतकालीन व्यवस्था में उसका एक एवज तय किया गया, उतना प्रिवी पर्स मिलना चाहिए। प्रिवी पर्स की राशि बहुत अधिक थी, 562 रियासतें थी। इन सब चीजों को देख करके श्रीमती इंदिरा गांधी को लगा कि समता और समानता का सिस्टम स्थापित करना है, इसलिए राजा महाराजाओं के विशेषाधिकार और प्रिवी पर्स को बंद कर देना चाहिए, और 1977 में वो किसी भी तरीके से पारित हुआ। उससे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, प्रमुख खदानों, प्रमुख खनिजों के खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ, रियासतकालीन कंपनियों का भी राष्ट्रीयकरण हुआ, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हुआ। एक बहुत बड़ी घटनाएं थी, ये देश की अर्थव्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए, सुधारने की बात तो हो ही सकती, मैं इसको सुव्यवस्थित कहूंगा, सुव्यवस्थित करने के लिए उनका ये बड़ा कदम था। इसी बीच में भारत पाक युद्ध होता है और भारत पाक युद्ध में भारत को अद्भुत अकल्पनीय अप्रतिम सफलता मिली। पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बट गया, पश्चिम और पूर्व दोनों तरफ से भारत जो घिरा हुआ था पाकिस्तान से, वो 2 टुकड़ों में बटने से हमारा विरोधी कमजोर हुआ। इससे बाह्य सुरक्षा को थोड़ा खतरा पैदा होता है, इसलिए 1971 में ही बाह्य सुरक्षा के दृष्टिगत व्यक्ति भी एक आपातकाल लगाया गया, लेकिन आंतरिक आपातकाल नहीं लगा। उसके पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी ने देखा कि राजा महाराजाओं के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार बंद करने से, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से, खदानों का राष्ट्रीयकरण करने से, कंपनियों का सरकारीकरण करने से पूंजीपति वर्ग उनके खिलाफ हो गया है, और उनको ऐसा लगा कि इससे आंतरिक असुरक्षा पैदा हो सकती है, और इसी संशय के बीच में उन्होंने देश में आपातकाल लगाने की सिफारिश तत्कालीन राष्ट्रपति को की। और उसका एक और कारण बीच में और बताना चाहता हूं, 18 मई 1974 को देश में पहली बार पोखरण में परमाणु विस्फोट भी किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेके बहुत अधिक दबाव था, विश्व 2 ध्रुवीय शक्तियों के बीच था, एक ध्रुव उसका पुरजोर विरोध कर रहा था, उसके बावजूद भी पोखरण में परमाणु विस्फोट हुआ, भारत की शक्ति का प्रदर्शन वैश्विक लेवल पर हुआ। उसके बाद अंतर विरोध बहुत ज्यादा होने से, क्योंकि विश्व पूरा ये देख रहा था, हमारे विरोधी देख रहे थे कि भारत में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था फैल जाए, भारत किसी न किसी प्रकार से कमजोर हो जाए, शायद इस कारण से, मैं शायद कहना चाहता हूं, मैं आपातकाल का बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं, बिल्कुल पक्षधर नहीं, वो ये ना माने कि मैं आपातकाल का पक्षधर, लेकिन उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक घटना है उसको भी साथ में जोड़ा जाता है, हालांकि उसके बाद में वे सुप्रीम कोर्ट चले गई थी
और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की अनुमति दी थी। इस बीच में उन्होंने आपातकाल लागू करने की सिफारिश राष्ट्रपति को की और राष्ट्रपति ने 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू कर दिया। जिस मीसा कानून के बारे में कहा जाता है वो मीसा कानून भी भारत पाक युद्ध के दौरान ही अस्तित्व में आया था, जो एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से बना कानून था। लेकिन एक बात बड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब भी ऐसे कोई कानून होते हैं, आपातकाल लगता है, तो आपातकाल के दौरान ऐसे कानूनों के दुरुपयोग की संभावना होती है। और इतने बड़े बड़े विद्वानों ने, महापुरुषों ने, जब आपातकाल के दौरान मीसा के कानून या उससे जुड़ी और भी धाराओं के तहत उसका दुरुपयोग होने की बात की है, तो मैं उसको नकार नहीं सकता। ना ही मेरी इतनी अधिक उम्र है, ना ही मेरा इतना अधिक तजुर्बा है। निश्चित रूप से आपातकाल के दौरान इन धाराओं का कुछ हद तक दुरुपयोग हुआ होगा, लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, आपातकाल संविधान की हत्या करके लागू नहीं किया गया था, बल्कि भारतीय संविधान में ही अनुच्छेद 352 में आपातकाल को लागू करने के प्रावधान दिए गए थे और उन्हीं प्रावधानों के तहत आपातकाल लागू किया गया था। अगर आपातकाल की समाप्ति भी हुई तो उन्हीं प्रावधानों के तहत हुई। बाद में सरकार बनी तो सरकार ने अगर शपथ भी ली तो संविधान के नाम पर ही शपथ ली। हमारी सरकारें चली संविधान, इसी संविधान से चली। हमारी पुलिस जो कार्यवाही करती है इसी संविधान के धाराओं के तहत करती है। न्यायालय जो काम करते हैं इन्हीं संविधान की धाराओं के तहत करते हैं। इस संविधान में नियम है, कानून है और प्रावधान, ये तीन चीज अलग अलग है, और इन तीनों को मिला करके भारतीय व्यवस्था बनती है। और जो हमारी जीवन शैली है पूर्ण रूपेण भारतीय संविधान पर निर्भर हो चुकी है। इससे एक बड़ी विचित्र स्थिति बन गई है, भारत के संविधान की हत्या दिवस मनाने से बात यह हो गई कि क्या 49 साल तक हम किस संविधान के भरोसे चल रहे थे? आखिर प्रकरण दर्ज हुए हैं तो किस संविधान के तहत हुए? न्यायालय में केस चल रहे थे किस संविधान के तहत हुए? सरकारें चल रही है तो किस संविधान के तहत चल रही है? और आज नहीं कल विश्व मंच पर यह बातें जाएगी, विश्व मंच पर हमारी प्रतिक्रियावादी शक्तियां जो है, विरोधी देश है, वो इस बात को उड़ाएंगे कि भारत में तो संविधान नाम की कोई चीजें नहीं है, वो जो संविधान था उसकी तो हत्या हो चुकी है। तो इससे गलत संदेश जा सकता। मेरा मानना है कि जैसे नोटबंदी लागू हुई थी तो नोटबंदी को भी पूरी देश की स्वीकार्यता नहीं मिली थी, जिस प्रकार आपातकाल को नहीं मिली, लेकिन दोनों ही निर्णय संविधान के दायरे में ही लिए गए थे, संविधान को काट कर मार कर हत्या करने। ये मेरा एक विचार है। मुझे लगता है संविधान हत्या दिवस घोषित करने से पूरे देश में असमंजस की स्थिति बन गई है। और जहां तक अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की बात है, वे अपने महापुरुष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही मानते हैं। उनका मानना है कि उन्होंने ही उन्हें संविधान दिया और उन्हीं के कारण उन्हें न्याय मिला है। वे भी बेहद दुखी इस कारण लग रहे हैं, उनको लगता है कि अब संविधान निर्माता के रूप में जिस भीमराव अंबेडकर को हम जानते हैं, वे संविधान निर्माता के रूप में नहीं जाने जाएंगे, बल्कि नए सिरे से संविधान का निर्माण होगा और उसके रचनाकार कोई और कहलाएंगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम कहीं नेपथ्य में खो जाएगा। एक आशंका बन रही है। मैं मर्यादाओं में रहते हुए मैंने सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को आग्रह पत्र भेजा है कि मुझे लगता है बड़े से बड़े क्यों ना हो, परिवार में भी जो मुखिया होता है, कई बार मुखिया से भी गलती हो जाती है, भूल हो जाती है, पार्टी की भी कभी कभी बाध्यता होती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी एक पार्टी के नहीं है, प्रधानमंत्री जी पूरे देश के हैं, मेरे आपके सबके प्रधानमंत्री हैं। और हम प्रधानमंत्री देश के मुखिया होने के नाते कहीं ना कहीं वो अभिभावक के रूप में हैं, और हमें कोई चीज अगर गलत लगती है तो हम उनके पास आग्रह पत्र भेज सकते। हमने एक आग्रह पत्र उन्हें भेजा है कि एक बड़ी भूल हो गई है संविधान हत्या दिवस घोषित करके। सवाल उठेंगे कि भारत बिना संविधान के कैसे चल रहा है, और यदि संविधान की हत्या हो गई तो नया संविधान कब बना, और इतने 49 सालों में अभी तक के जो देश चला है तो किस संविधान के भरोसे चला है।
इसलिए संविधान हत्या दिवस जो घोषित किया गया है इस निर्णय को बदल दिया जाए, ये हमारा आग्रह है। और इस आग्रह के आधार पर ही हम आपसे आज रूबरू हुए हैं। पत्रकार बंधु सब मेधावी होते हैं, सब अध्ययनशील होते हैं, सब लोग इस बात को समझेंगे और जो बातें मेरी अच्छी लगती हो उसे आम लोगों तक पहुंचाएंगे। जरूरी नहीं है कि मेरी बात सभी बातें मेरी अच्छी हो और सही हो। बार बार मेरा आग्रह है कि मेरा ये कथन या मेरा ये प्रयास सरकार को घेरना नहीं है, ना मैं सरकार को घेर रहा हूं, बल्कि सरकार से आग्रह कर रहा हूं ये गलती हो गई है। सारे लोग असमंजस में हैं, पूरे देशवासी असमंजस में हैं, देशवासियों को लग रहा है ये क्या हो गया, हम कहां हैं, हम कैसे हैं, किसके भरोसे हैं, किस क्षेत्र में हैं। तो ये जो गलती हुई है इसे सुधार किया जा सकता है, मेरा आग्रह है इसे सुधार किया जाए। और यदि हमारी बात, हमारे पत्रकार बंधुओं की बात भी नहीं सुनी जाती तो हम एक बार फिर प्रयास करेंगे कि न्यायालय में जाए, न्यायालय में अपनी बात याचिका लगाकर करे कि भाई न्यायालय चल रहे हैं, सरकार चल रही है, शासन चल रहा है, पुलिस कार्यवाही कर रही है, हम नियमों कानूनों प्रावधानों में बंधे हुए हैं, ताकि इसी संविधान के भरोसे इसकी हत्या कैसी हो सके। मैं संविधान को कालजयी मानता हूं, जीवन मृत्यु से परे मानता हूं, मैं उस संविधान के भीतर ही पारलौकिकता का एहसास करता हूं, इसलिए मैं दुखी हूं। मेरी अटूट आस्था है और इस अटूट आस्था के कारण ही मैं आज आप लोगों से रूबरू हुआ हूं। अब आप लोगों के मन में जिस किसी प्रकार के सवाल हो तो मैं उपलब्ध हूं। मेरा एक आग्रह जरूर रहेगा कि ये बहुत ही संवेदनशील विषय है, इस संवेदनशील विषय को हम मर्यादाओं में रहते हुए ही आम लोगों तक पहुंचाए। मैं स्वयं मर्यादा में रहना चाहूंगा, नियम कानून तोड़ना न मेरे वश में है, न मैं कभी तोड़ना चाहूंगा। वंचितों को, दलितों को, पिछड़ों को सबसे आग्रह करता हूं कि वे यदि केस सही नहीं लग रही है, यदि उन्हें लगता है कि ये गलत है, तो सामने आए, अपनी बात रखे, अपना आग्रह प्रधानमंत्री तक पहुंचाए, सरकार तक पहुंचाए। सरकार को अगर इस गलती का एहसास होगा तो निश्चित रूप से इसमें सुधार हो सकता है। लेकिन मैं अभी अभी यहां आ रहा था तो रास्ते में कुछ बड़े होर्डिंग लगे हुए दिखाई दिए कि अब नया संविधान बनने के लिए प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। क्या आशय है वो मुझे भी फोटो खींच के देखना पड़ेगा। तो मुझे आश्चर्य लगा, अभी संविधान हत्या दिवस हुआ घोषित करके अब नया संविधान की बात आ रही है, तो क्या इसके लिए पूरे देशवासियों को विश्वास में लिया गया। ये गंभीर विषय है, ये गंभीर विषय है। भारतीय संविधान देशवासियों को विश्वास में लेकर बनाया गया था, वो बहुमत के आधार पर भी नहीं बनाया गया, बल्कि बहुत कम आबादी वाले लोगों की भी बात सुनी गई और संविधान में उनके लिए भी स्थान दिया गया। ये मेरा आग्रह है, आप सबका हमारा संकल्पित संगठित प्रयास होना चाहिए कि ऐसी अगर कोई भूल हुई है तो इसमें बदलाव आए। और इसको बदलाव लाने के लिए हमको सड़क पर उतरने की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। बौद्धिकता के साथ में अपनी बात हमें रखनी होगी, अपने अपने अखबारों में, अपने अपने न्यूज चैनल में बात रखनी पड़ेगी। सामाजिक संगठन भी सामाजिक स्तर की बैठकों में इन बातों को रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम इस आशय के साथ दे रहा हूं कि आप लोगों के सवाल के जवाब देने के लिए तत्पर रहूं। वही लक्ष्य था कि 400 पार में जो नहीं कर पाए वो संविधान हत्या दिवस मनाकर या संविधान की हत्या दिवस इस तरह से कहकर किया जा सकता है, क्योंकि संविधान तो लगातार चल रहा है। संविधान के जरिए ही पूरी जुडिशरी चल रही है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका सब संविधान के जरिए चल रहे हैं, देश भी कानून भी संविधान के जरिए चल रहा है और उस पर संविधान हत्या दिवस, क्या ये सही नाम है, क्या लगता है आपको? क्या ये जो उन्होंने उस घटना को, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जैसे आपने कहा आपातकाल में, अच्छी घटना नहीं थी या लोगों ने अच्छा नहीं माना, बहुत सारे अत्याचार भी हुए उस दरमियान, तो क्या ये सही नाम है, क्या ये सही व्याख्या है उस आपातकाल को परिभाषित करने की? देखिए, उस समय एक साथ बहुत सारी चीजें हो गई थी सुधारवादी दृष्टिकोण के चलते। एक तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण, दूसरी चीज मुख्य खनिजों के खदानों का राष्ट्रीयकरण, रियासतकालीन कंपनियों का सरकारीकरण, और उसी समय भारत पाक युद्ध हुआ, पाक को दो टुकड़ों में बांट दिया गया, कमजोर कर दिया गया। उसके कुछ दिन के बाद में सन 1974 में
पोखरण में परमाणु विस्फोट करके राजनारायण वाला केस भी उसी समय हमारे भारत में पोखरण में परमाणु विस्फोट करके भारत की शक्ति को विश्व मंच के सामने परिभाषित स्वरूप दिया गया। इन सारी चीजों के बाद में ऐसी स्थिति बनते जा रही थी धीरे धीरे 1969 से ऐसी स्थिति तनावपूर्ण बनती जा रही थी, अनरेस्ट हो गया था। हाँ, अंतरिक्ष अव्यवस्था बन रही थी, क्योंकि मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन ये सभी राजनीतिक दल जो आज सत्ता में हैं, इनमें से कुछ लोगों ने, अधिकांश ने बल्कि, राजा महाराजाओं के प्रिवी पर्स बंद करने का विरोध किया था, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का विरोध किया था, खदानों के राष्ट्रीयकरण का विरोध किया था। कोई बता दे कि क्यों किया था? गुरु जी सब बात मान लेते हैं आपकी, सब अच्छी बातें हैं, सब चीजें अच्छी हैं, ये भी मान लेते हैं कि संविधान हत्या दिवस नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रश्न तो उठेगा। प्रश्न ये है कि इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से उन चीजों को हैंडल किया, एक डेमोक्रेसी में क्या उस तरह से आपातकाल लगा के थी, इसी वजह से वो चुनाव भी हारे, बाद में रिकवर किया उन्होंने, लेकिन जब वो डेमोक्रेटिक हुई, जब वो तानाशाह बनने की कोशिश की तो वो उनको भी जनता ने नकार दिया, चुनाव में नकारा ना, बेशक इतने अच्छे अच्छे काम किया आप गिना रहे लेकिन नकार दिया, तो इस देश में तानाशाही तो नहीं चलेगी। और उस तानाशाही दिवस को तो बोल सकते हैं, क्या तानाशाही दिवस बोलते हैं? आपसे मैंने कई सवाल पूछे, मैंने क्या दुराचार दिवस बोले, क्या छेड़खानी दिवस बोले, क्या तानाशाही दिवस बोले, तो कुछ तो देना पड़ेगा। यदि दुरुपयोग को लेकर कोई शब्द दे तो उनका विषय है, मेरा विषय नहीं, लेकिन संविधान का दुरुपयोग हो सकता है किसी अनुच्छेद का। मैं स्पष्ट नहीं करना चाहता, धारा 300 अनुच्छेद 352 के तहत निहित प्रावधानों के तहत ही स्वीकार्यता न आपातकाल को मिली और न नोटबंदी को मिली, लेकिन इसके लिए हम कहते हैं कि संविधान की हत्या हो गई है, ये कहां तक बात सही है? नहीं, उस बात का तो हम सहमत है, लेकिन कुछ तो बड़े पैमाने पे आज भी आपातकाल में जब जो जिस तरह से सत्ता चलाई गई परोक्ष रूप से, वर्तमान प्रधानमंत्री या सत्ताधीश को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पूर्व में हुई गलती की पुनरावृत्ति न हो, ना कि पूर्व में गलती को बार बार दोहराए। ये बड़ी बात कही और इसी पे हम लोग खत्म करेंगे, इसी नोट पे, सीधा सीधा कह दिया गया है कि संविधान का हत्या दिवस तो स्वीकार